BTS में आप सभी का स्वागत है। देखो तो आज हमारे वेलकम के लिए कौन आया है। आओ सभी जल्दी से आ जाओ। ओ मिस्टर पैक को फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हम सभी बहुत समय बाद मिल रहे हैं। आज आप फिर से एक बार साथ में कुकिंग करने वाले हैं। जब पिछली बार आपने साथ में कुकिंग की थी तो लोगों को आपकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आई थी। क्या बात है, ये सब कुछ सर की वजह से हो पाया। नहीं मेरी वजह से क्यों, आपने भी तो मेहनत की थी। मिस्टर पैक सबसे अच्छे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत एंजॉय किया था। हाँ मेरी वाइफ ने भी बहुत एंजॉय किया, उसने कहा ना उस एपिसोड में जवान लग रहा था। ओहो क्या बात है, इसीलिए आज का एपिसोड है परफेक्ट जोड़ी स्पेशल। हाँ मुझे पता है, मुझे लगता है किमची और नूडल्स की जोड़ी परफेक्ट है। हाँ पर फ्राइड चिकन और बियर भी तो परफेक्ट है ना। हाँ पर मेरे हिसाब से हरे प्याज की किमची और नूडल्स परफेक्ट हैं। हाँ हरे प्याज की किमची बहुत टेस्टी लगती है। मेरे हिसाब से ट्रफल ऑयल और चावल की जोड़ी बेस्ट है। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? सर आप बताइए आपके हिसाब से खाने में परफेक्ट जोड़ी किसकी है? मैं बताऊँ, BTS और मिस्टर पैक की। आज का एपिसोड जोड़ी स्पेशल है तो आप सभी की केमिस्ट्री चेक करने के लिए एक टेस्ट होगा। ये तो हम कर लेंगे। स्टाफ आपको किसी भी कलर का नाम बताएंगे, उसे सुनकर आपको एक डिश का नाम लेना है। हमें तो बहुत सारी डिशेस के नाम भी नहीं पता। ठीक है मैं भी आसान नाम ही लूंगा। तो आपका पहला कलर है लाल। किमची। टमेटो। क्या? सॉरी मैं भूल गया कि मुझे डिश का नाम लेना था। आप भूल गए फिर हमारा क्या होगा। सेकंड कलर है ऑरेंज। शिमला मिर्च। संतरा। शिमला मिर्च का कलर ऑरेंज ही होता है ना? हाँ हाँ हम सब ने वही कहा। हाँ शिमला मिर्च। पता नहीं हम खाने की कैसी जोड़ी बना पाएंगे। आपका अगला कलर है येलो। इस बार सभी सेम बोलना। लेमन। शिमला मिर्च। मसालेदार मूली। हम सभी ने अलग अलग नाम बोले हैं। लेमन सही नहीं है, मसाला मूली भी तो टेस्टी लगती है ना। आपका अगला कलर है ग्रीन। हरे प्याज की किमची। शिमला मिर्च। हरे प्याज। तरबूज। ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप सभी ने क्या बोला? मैंने शिमला मिर्च बोला। मैंने हरे प्याज की किमची और मैंने गोभी बोला। चलो घर चलते हैं, हमारा यहाँ क्या काम। आपका अगला कलर है ब्लैक। ओ ये कुछ खास होने वाला है। तुम बताइए। स्पाइसी सॉस नूडल्स। फाइनली सभी ने सेम डिश का नाम लिया। सेकेंड राउंड में आपको दो डिश के नाम दिए जाएंगे, उसमें से आपको अपनी पसंद की एक डिश बतानी है। तो बताइए गोभी की किमची या हरे प्याज की किमची? अरे ये तो मुश्किल है। गोभी किमची। हरे प्याज की किमची। गोभी की किमची बहुत टेस्टी होती है, हम ये कैसे भूल सकते हैं। पर हरे प्याज की किमची में भी तो बहुत से फ्लेवर होते हैं। हाँ गोभी की किमची ज्यादा लोग पसंद करते हैं। मैं तो फिर भी हरे प्याज की किमची कहूँगा। अगला है फ्राइड चिकन या स्पाइसी चिकन। ओ ये तो सबको मालूम है, जो कॉमन है उसका नाम बोलेंगे। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। फ्राइड चिकन। स्पाइसी चिकन। सॉस चिकन। अरे फ्राइड चिकन और सॉस चिकन दोनों एक ही है, मुझे क्रिस्पी खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ इसीलिए हमारे आधे जवाब ही मैच हो रहे हैं। अगला है आइस अमेरिकानो कॉफी या हॉट अमेरिकानो कॉफी। ओ इसके लिए तो मैं कभी ना नहीं कह सकता। तो बताइए सभी। आइस कॉफी। हॉट कॉफी। क्या आप सभी को हॉट कॉफी पसंद है? हाँ भला आइस कॉफी कौन पिएगा। मुझे लगा आपको भी मेरी तरह आइस कॉफी पसंद होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी वक्त है टीम बनाने का। आपको हरे प्याज और गोभी में से किसी एक चीज को पिक करना है जो आपको ज्यादा अच्छी लगती है। हम सिर्फ एक चीज को ही पिक कर सकते हैं ना। मैं तो गोभी ले रहा हूँ। या हरे प्याज लूँ? मुझे हरे प्याज बहुत पसंद है, मैं तो हरे प्याज लूंगा। मैं भी हरे प्याज लूंगा। और मैं ये गोभी लूंगा। ओ टीम मेंबर ने हरे प्याज पिक किए और बाकी के टीम मेंबर ने गोभी। अब बनी है हमारी परफेक्ट जोड़ी। तो आपकी एक टीम का नाम है हरे प्याज की किमची और दूसरी टीम का नाम है गोभी की किमची। हम किमची के साथ नूडल्स और सॉस भी बनाएंगे। ओ फिर तो ये बहुत टेस्टी होगा। तो चलो शुरू करें। ओ तो हम यहाँ आज कुकिंग करने वाले हैं। सभी सुनिए, हमें खाना सफाई से बनाना है। पहली बार मास्क पहनकर खाना बना रहे हैं। हाँ ये सही कहा। पहले सभी अपने हाथ धो लो। हाँ कुकिंग करते समय सफाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सभी पहले रेसिपी देख लीजिए। हाँ ये सही कहा। ये रही हमारी रेसिपी। जिमिन तुम भी आओ, चलो एक साथ पढ़ते हैं। देखिए आप जो किमची बनाएंगे उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये दोनों सॉस हैं। ओ हम समझ गए। और आप जो किमची बना रहे हैं उसमें भी यही सॉस यूज होंगे, ये सॉस सबसे ज्यादा डालना है। आपको पहले गोभी कट करनी है। हाँ चलो शुरू करते हैं। हमें इसे किस साइज में काटना है?
पहले हमें इसे आधा करना होगा, फिर उसे इस तरह से काटना है। इनसे कुछ नहीं होगा, ये लो ग्लव्स पहन लो। सबसे पहले आपको इन ऊपर के पत्तों को हटाना है। ओह, ऐसे ही करना है ना? और आपको सबसे पहले इन प्याज पर सॉस डालना है। हमें इन्हें ऐसे रखना है क्या? तुमने इन्हें उल्टा रखा है। ओ, इन्हें सीधा करके बाउल के अंदर फैला दो। तुमने तो इन्हें कुछ ज्यादा ही फैला दिया। अभी आपको प्याज के ऊपर ये सॉस डालना है। अरे चिमिन रुक जाओ, ये तो बहुत सादा हो जाएगा। मुझे ये 300 ग्राम डालना है, कैसे डालूं? हमने इन मसालों को पहले से ही माप कर रखा है, तो क्या ये 300 ग्राम है? हाँ। सर, क्या हम ये सारे प्याज यूज कर सकते हैं? अरे इन्हें ऐसे मत रखो, अभी इन्हें फैलाकर नहीं रखना है, आपको इन सारे प्याज को एक तरफ रखना है। अभी इन्हें 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दो, कुछ समय बाद इन्हें आगे पीछे करते रहना। इसे ऐसे काटना है क्या या ऐसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसे ऐसे काट लेता हूँ, सही है ना? अरे ये तो कुछ ज्यादा ही छोटे हो गए, तुम्हें ट्राई करना है? हाँ लाओ। देखो ध्यान से काटना। नहीं नहीं रुको, आपको ऐसे नहीं काटना है, आपको इसे ऐसे काटना है। ओह, हम तो कुछ और ही कर रहे थे। हम इनके ज्यादा स्लाइस कर सकते हैं? हाँ, वो इस तरह से होगा। चिमिन तुम तैयार हो? हाँ, क्या चिमिन तुम तैयार हो? चिमिन कहाँ है? चिमिन यहाँ है। आरम तुम अगले डिश के लिए तैयारी करो। हाँ, पर उसके लिए चावल का आटा चाहिए होगा, वो है कहाँ? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा। सर, चावल का आटा कहाँ रखा है? यही तुम्हारे सामने रखा है। इसे इस पानी में डालो और इसे अच्छे से मिक्स करो। हम सभी ने जितना सोचा उतना मुश्किल नहीं है कुकिंग करना। हाँ, पर ये तब ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप रेसिपी फॉलो करके बनाते हैं। हेलो डियर आर्मी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मेरे इस नए चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए। आई प्रॉमिस इस चैनल